हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा, तो आज हम फ्लैश स्पीड रनिंग का ट्यूटोरियल कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा ओरिजिनल वीडियो शूट करना है। आप अलग तरीके से भी वीडियो को शूट कर सकते हैं। देन काइनमास्टर ओपन करेंगे, मीडिया में जाकर इस ओरिजिनल वीडियो को टाइमलाइन में ऐड करेंगे, देन एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करेंगे। जहाँ जहाँ हम रन करेंगे उन पार्ट्स को कट करेंगे। देन रनिंग वाले पार्ट्स को स्पीड में जाकर 3x पर सेट करेंगे। देन बाकी जितने समय के लिए हम वीडियो में रुके हुए हैं उस क्लिप को 2x स्पीड पर सेट कर देना, जिसे हमें सेव कर लेना है। देन न्यू प्रोजेक्ट में जाकर उसी से वीडियो को फिर से टाइमलाइन में लाना है। देन लेयर में जाकर डाउनलोड किए हुए फ्लैश रनिंग इफेक्ट को टाइमलाइन में लाना है। तो यहाँ पर मैं जो भी इफेक्ट यूज़ करूँगा उन सभी इफेक्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इफेक्ट वाली वीडियो को एडजस्ट करने के बाद हमें जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर। तो वहाँ जाकर हमें स्क्रीन ब्लेंडिंग तो कर देना है, जिससे हमारे वीडियो ब्लैक बैकग्राउंड आउट हो जाएगा। देन इफेक्ट वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, क्योंकि इसमें इफेक्ट को रिपीट किया गया है, इसलिए इसके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे या इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देन बची हुई क्लिप को एडजस्ट करने के बाद लेयर की टाइमिंग को चेक कर लेना है कि वीडियो हमारा सही समय पर लेयर के साथ कंजॉइन हो रहा है कि नहीं। में हमें करना है की एनिमेशन। तो इससे पहले टाइमलाइन को खींचकर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जिससे कि हमें की एनिमेशन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जब तक मैं की एनिमेशन कर रहा हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एवेंजर सीरीज के नंबर 1 ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन सेकेंड इफेक्ट को भी टाइमलाइन में लाना है,
और वहाँ पर सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमने दूसरी बार रन किया है। और फिर से की एनिमेशन करना है। तो मैं जल्दी से सभी इफ़ेक्ट को की एनिमेशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन सब को स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? आई होप हेल्पफुल रहा होगा। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है।